तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन ऑयल का जो मार्केटिंग डिवीज़न है, पाइपलाइन डिवीज़न है एंड रिफाइनरी डिवीज़न, इन तीनों डिवीज़न में से कौन सा बेस्ट डिवीज़न है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा कंपेरिजन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है यार प्लीज कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी कर देना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तीनों डिवीजन में से वर्क आवर, सबसे पहले फर्स्ट बता दूं तो वर्क टाइम आपको मॉर्निंग में ही होता है 8:30 से 5 बजे तक, ये आपको वर्क टाइम होता है वहाँ पर। और जो ये तीनों डिवीज़न का क्या काम करता है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल ही गया होगा कि कौन कौन सा डिवीज़न क्या क्या करता है। तो मैं मार्केटिंग डिवीज़न की बात करूँ तो मार्केटिंग डिवीज़न में सारा आपको सेल से रिलेटेड ही वर्क होता है वहाँ पे मार्केटिंग डिवीज़न में। एंड जो पाइपलाइन डिवीज़न होता है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि सप्लाई का काम करता है। और जो रिफाइनरी डिवीज़न होता है ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ये सारे काम करता है, यानी कि। और एरिया के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये तीनों डिवीज़न में से सबसे बड़ा प्लांट होता है ये आपका रिफाइनरी का, सबसे बड़ा वहाँ पर प्लांट बहुत बड़ा होता है और एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो और यहाँ पर देखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इन तीनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, अगर आपको मान लीजिए किसी का तीनों में हो जाता है, अप्रेंटिस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो तीनों में मान लीजिए किसी को मार्केटिंग डिवीज़न में हो गया और रिफाइनरी डिवीज़न, तो मार्केटिंग चूज करें कि रिफाइनरी चूज करें, तो ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं, क्योंकि तीनों जो डिवीज़न है ना वो तीनों अपने अपने जगह पर बेस्ट है। अकॉर्डिंग टू मी मैं बता दूँ कि कौन सा डिवीज़न आपको चूज करना चाहिए। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, मतलब कि अपने ट्रेड के हिसाब से मुझे काम मिले, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे अपने ट्रेड के हिसाब से वहाँ सीखने मिले कि नहीं, तो ट्रेड के हिसाब से अगर आपको सीखने मिले ये आप सोचते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ओबियसली आप रिफाइनरी डिवीज़न को चूज कर सकते हैं, क्योंकि रिफाइनरी डिवीज़न में आपको केमिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड आपके ट्रेड के हिसाब से वहाँ पर आपको रिफाइनरी डिवीज़न में बहुत सारे यहाँ पर काम देखने को मिल सकता है और मिलता है, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। और मैं ये मार्केटिंग डिवीज़न का बात करूँ तो मार्केटिंग डिवीज़न एंड इसमें आपको उतना ट्रेड के हिसाब से नहीं मिल पाता है काम। तो मैं बता दूँ, अगर आप पैसे कमाने के मकसद से ये ट्रेनिंग करना चाहते कि मैं इधर गवर्नमेंट जॉब का या फिर कुछ भी और तैयारी करूँ और साथ साथ में मैं ये अपना कुछ काम करूँ, तो इसके लिए आप ये जो मार्केटिंग डिवीज़न है इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको वर्कलोड भी काम रहता है, वर्कलोड तो नहीं आपको सिखाया जाता है पर हाँ 2-3 घंटा अपना कुछ काम करें, फिर बाकी ज़्यादा समय तो आपको फ्री है, टाइम मिलता है, उस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मार्केटिंग डिवीज़न बहुत आराम से आप पैसा, केवल पैसे आपको मिलेगा स्टाइपेंड बस मंथली, और आराम से वहाँ कुछ काम ज़्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा। और जो रिफाइनरी डिवीज़न की बात करो तो यहाँ एज कम्पेयर टू मार्केटिंग डिवीज़न से कुछ थोड़ा ज़्यादा काम रहता है वहाँ पे, सीखने को मिलता है, यही दोनों में डिफरेंस है। मतलब कि आप ये इसी से आप पता कर लगा सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। और मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमें तीनों में से मतलब कौन सा डिवीज़न में करने से हमको फ़ायदा मिलेगा और किन से हमें जॉब मिलेगा। जॉब तो बोले तो क्या, हमको तीनों डिवीज़न में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप इंडियन ऑयल पे ही या फिर ऑयल सेक्टर में कहीं करना चाहते हैं, तो चाहे आप मार्केटिंग डिवीज़न से कर रहे हैं या पाइपलाइन डिवीज़न, कोई भी डिवीज़न से, आपको प्रीफ्रेंस तीनों को बराबर ही मिलता है, वैसे बात नहीं, तीनों को 1 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मिलेगा जॉब। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो और भी कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।